स्टूडेंट, इस वीडियो में पहले मैं हार्मोन के फंक्शन ले रहा हूँ जो है फोटोपीरियोडिज्म। पिछले वीडियो में मैंने फोटोपीरियोडिज्म का टॉपिक लिया था जो है, और फोटोपीरियोडिज्म बीच में रुका हुआ है, लेकिन पहले मैं हार्मोन के फंक्शन निकालूंगा। दो हार्मोन ले लिए थे, तीसरा हार्मोन मैं ले रहा हूँ गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन में स्टार्ट कर रहा हूं। गिबरेलिन हार्मोन डिस्कवर हुआ था 1905 इन प्लांट गिबरेला फुजिक्रोई। गिबरेलिन हार्मोन एक फंगस पर डिस्कवर हुआ था। गिबरेलिन हार्मोन है तो किसका हार्मोन है? गिबरेलिन हार्मोन है फंगस का हार्मोन जो है, प्लांट का हार्मोन है, फंगस पर डिस्कवर हुआ है। प्लांट का हार्मोन है गिबरेलिन हार्मोन, लेकिन फंगस पर डिस्कवर हुआ। फंगस का नाम है गिबरेला फुजिक्रोई, इसलिए इसका नाम गिबरेलिन है। इस फंगस की परफेक्ट स्टेज कौन सी है? परफेक्ट स्टेज ऑफ दिस फंगस इज, इस फंगस की परफेक्ट स्टेज कौन सी है? फ्यूजेरियम। जब ये फंगस ड्यूट्रोमाइसिटिस ग्रुप की है गिबरेला, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया बाद में, इसकी जिस स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रखा उसका नाम है फ्यूजेरियम। इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेज है फ्यूजेरियम की। और ये गिबरेला हार्मोन बैकेंड डिजीज करता राइस में जो, दिस फंगस काज बैकेंड डिजीज इन राइस, चावलों में बैगेन डिजीज करती है जो गिबरेला फंगस, बैगेन डिजीज करती है चावलों के अंदर। इसमें चावल लंबे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। गिबरेलिन हार्मोन जो है, जो किस पे ज्यादा स्टडी चल रही है, गिबरेलिन कौन सा गिबरेलिन जो ज्यादा स्टडी चल रही है, कौन सा कॉमर्शियली ज्यादा यूज होता है, तो गिबरेलिन की अगर बात करें, देख लेते हैं इसमें जो है। गिबरेलिन जो थर्ड है इज, गिबरेलिन जो थर्ड है वो मोस्टली स्टडीड है। और गिबरेलिक एसिड 4 और 7 है मोर यूज्ड कमर्शियली। गिबरेलिन या गिबरेलिक एसिड 4 और 7 तो कमर्शियली ज्यादा यूज होते हैं, और गिबरेलिक एसिड जो थर्ड है इसकी स्टडी ज्यादा होती है। जो अब मैं गिबरेलिन हार्मोन के एक ही फंक्शन करा रहा हूं, गिबरेलिन हार्मोन की मैं स्टार्ट कर रहा हूं। रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, कोई पेड़ छोटा है उसको लंबा करना तो गिबरेलिन डाल दो, उसमें गिबरेलिन की कमी है इसलिए छोटा है। द्वार प्लांट हाइट कैन बी इंक्रीज बाय गिबरेलिन। गिबरेलिन हार्मोन की हेल्प से छोटा पेड़ बड़ा हो सकता है।
ड्वार्फ प्लांट या छोटा प्लांट लंबा हो सकता है, ड्वार्फ प्लांट छोटे प्लांट की हाइट बढ़ सकती है, गिबलिन हार्मोन बड़ा कर सकता है, छोटे पेड़ को बड़ा करना तो गिबलिन कर देगा जो। इसके अलावा इन सुगर केन प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाई 20 टन पर एकड़। गन्ने की प्रोडक्टिविटी 20 टन बढ़ा सकते हैं, गन्ने की प्रोडक्टिविटी 20 टन बढ़ा सकते हैं, एक एकड़ जमीन में 20 टन पैदावार बढ़ सकती है गन्ने की जो, अगर गिबलिन डाल देंगे तो। जो रोजेट प्लांट लाइक कैबेज एंड हैनबीन एंड रोजेट हैनबीन, हम बोलेंगे बोल्टिंग कैन बी डन, बोल्टिंग और इंटरनोड कैन बी इलोंगेटेड थ्रू दिस हार्मोन। जैसे ये कैबेज है, कैबेज के अंदर कैबेज या पत्ता गोभी में लीफ नजदीक नजदीक होते हैं, कैबेज और पत्ता गोभी में लीफ नजदीक नजदीक होता है, लीफ जहां से आ रहा है उसको नोड बोलते हैं, लीफ नजदीक नजदीक है इसका मतलब नोड नजदीक नजदीक यानी इंटरनोड छोटा है, इस इंटरनोड को अगर लंबा करना हो तो बोल्टिंग बोलेंगे। ऐसे पेड़ जो गुलाब की पत्तियों के जैसे हो, जिनके पत्ते नजदीक नजदीक हो, उनको रोजेट प्लांट बोलते हैं। रोजेट प्लांट क्या बोलते हैं, नोड्स आर वेरी क्लोज, ऐसे प्लांट जिसके नोड बहुत नजदीक हो उनको रोजेट प्लांट बोलते हैं। जैसे पत्ता गोभी का अजवाइन हैनबीन को अजवाइन बोलते हैं, रोजेट प्लांट जिसके नोड नजदीक है जैसे कैबेज और हैनबीन, इनमें इंटरनोड बढ़ाना हो, इंटरनोड बढ़ाने को बोल्टिंग बोलते हैं, इस हार्मोन से कर सकते हैं। पत्ता गोभी के पत्ते दूर दूर हो जाएंगे, इंटरनोड लंबा हो जाएगा, गिबलिन डाल दोगे तो। रोजेट प्लांट जैसे पत्ता गोभी हैनबीन है, इनमें बोल्टिंग कर सकते हैं। बोल्टिंग किसको बोलते हैं, बोल्टिंग किसको बोलते हैं, इंटरनोड लंबा होने को बोलते हैं, इस हार्मोन से कर सकते हैं। और कुछ प्लांट होते हैं जिनमें जैसे मूली है उसमें स्टेम बहुत छोटा है, स्टेम लंबा करना हो तो इस हार्मोन से कर सकते हैं। रिड्यूस स्टेम कैन बी इलोंगेटेड, रिड्यूस स्टेम कैन बी इलोंगेटेड बाई गिबलिन, गिबलिन हार्मोन से हम छोटा स्टेम बड़ा कर सकते हैं, रिड्यूस स्टेम छोटा स्टेम हम लंबा कर सकते हैं गिबलिन से, गिबलिन हार्मोन छोटे स्टेम को बड़ा कर सकता है। एग्जाम्पल रेडिश, रेडिश या मूली जो होती है उसमें रूट होती है, मूली खाते हो रूट खाते हो, ये होता है मूली ऐसी होती है, ये रिड्यूस स्टेम। पत्ते गोभी पत्ते नजदीक है, ये नोड है, नोड के बीच में इंटरनोड है, इंटरनोड छोटा है, इंटरनोड को लंबा करेंगे तो बोल्टिंग बोलेंगे, हम कर सकते हैं। छोटा स्टेम बड़ा करना हो मूली वगैरह का तो भी हम गिबलिन हार्मोन से कर सकते हैं, गिबलिन हार्मोन बोल्टिंग कर सकता है यानी इंटरनोड लंबा कर सकता है, गिबलिन हार्मोन रिड्यूस स्टेम को लंबा कर सकता है मूली वगैरह के अंदर भी। इसके अलावा इन कॉनिफर्स मैच्योरिटी कैन बी हास्टन और अर्ली इफ वी यूज गिबरलिन,
हार्मोन। इसका मतलब क्या है, सीड जल्दी आ सकते हैं, वी कैन से सीड्स कैन बी अपियर अर्ली इन कॉनिफर्स। गिबरेलिन हार्मोन से मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, पेड़ जल्दी जवान हो जाता है, मतलब पेड़ में जवानी का मतलब बीज जल्दी बनाना, बीज ही तो रिप्रोडक्शन करता है, बीज आने का मतलब जल्दी रिप्रोडक्शन हो गया है, तो मैच्योरिटी पेड़ जल्दी आना या बीज जल्दी आ जाते हैं गिबरेलिन अगर डाल दोगे तो। जो कोनीफर प्लांट जिम्नोस्पर्म होते हैं, कोनीफर प्लांट में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, हास्टन मतलब जल्दी आना, कोनीफर में मैच्योरिटी या सीड फॉर्मेशन जल्दी आ जाता है अगर गिबरेलिन ज्यादा हो या गिबरेलिन तुम डाल दो। अगर गिबरेलिन अप्लाई कर दोगे, इफ वी यूज गिबरेलिन, गिबरेलिन यूज कर दो, गिबरेलिन यूज कर दो, जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी सीड में। जो स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और पेडेंकल कैन बी इंक्रीज इन लेंथ इन प्रोसेस से पेडेंकल की लेंथ बढ़ सकती है इन ग्रेप्स एंड एप्पल बाई दिस हार्मोन। सो फ्रूट साइज, फ्रूट नंबर एंड साइज कैन बी इंक्रीज। समझ गए, ये ब्रांच है फूल लगे हुए हैं, ये ब्रांच है फूल लगे हुए हैं, इसकी ब्रांच को लंबी, इसकी ब्रांच लंबी हो जाएगी तो फूल दूर दूर हो जाएंगे। अंगूर की सेव की ब्रांच जिसमें फूल लगे हुए उस ब्रांच लंबी हो जाएगी, सेव और अंगूर की ब्रांच, सेव या अंगूर की ब्रांच फूल की लंबी हो जाएगी, सेव या अंगूर की ब्रांच जिसमें फूल लगे हुए वो लंबी हो जाती है। किससे लंबी होती है, सेव या ग्रुप, सेव या अंगूर की ब्रांच जिसमें फूल लगे हुए लंबी कर देता है गिबरेलिन, लंबी होगी तो ज्यादा दूरी मिल जाएगी फ्रूट के लिए, फ्रूट को ज्यादा डिस्टेंस मिल जाएगा तो फ्रूट बड़े बड़े होंगे और फूल भी ज्यादा आएंगे, उसका ब्रांच बढ़ गई है तो फूल का नंबर, फ्रूट का नंबर भी बढ़ जाएगा। स्टॉक ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, फूल की ब्रांच जिसको पेडेंकल बोलते हैं वो बढ़ जाती है इस हार्मोन के हेल्प से, और फ्रूट का नंबर भी बढ़ जाएगा, साइज भी बढ़ जाएगी। फूल की ब्रांच जिसको, जिसमें फूल लगते हैं उसको पेडेंकल बोलते हैं, फूल की जिस ब्रांच में फूल लगे उसको पेडेंकल बोलते हैं। इस ब्रांच की लेंथ बढ़ जाती है अंगूर और सेव में, अंगूर में सेव में फूल की जो ब्रांच है, अंगूर में सेव में फूल की ब्रांच है उसकी लंबाई बढ़ जाती है इस हार्मोन से, इसलिए लंबी ब्रांच होगी तो फ्रूट का साइज भी बड़ा होगा, दूर दूर रहेंगे फ्रूट और फ्रूट का नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। More malt can be produced by gibberellin. जो बार फ्रॉम बारले, ये बारले के दाने हैं, इनसे माल्ट बनती है और माल्ट से अल्कोहल शराब बनती है। अगर गिबरेलिन ऐड कर दोगे तो माल्ट ज्यादा बनेगी, बारले या जो होती है उससे माल्टो शुगर बनती है, माल्ट बनती है जो,
और माल्टोज से शराब बनती है। अगर शराब की फैक्ट्री वाले माल्टोज बारले जो है बारले से माल्ट निकालेंगे फिर शराब बनाएंगे, अगर गिबलिन डाल देंगे तो माल्ट ज्यादा निकलेगी और शराब ज्यादा बनेगी। जो बारले से माल्ट बनती है उससे शराब बनती है, शराब की इंडस्ट्री है। शराब की इंडस्ट्री क्या बोलते हो? ब्रीविंग इंडस्ट्री। शराब की इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री बोलते हैं। शराब की इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री, शराब की इंडस्ट्री ब्रीविंग इंडस्ट्री होती है। तो शराब की इंडस्ट्री ब्रीविंग इंडस्ट्री है और शराब से क्या बनता है? ब्रीविंग इंडस्ट्री शराब की इंडस्ट्री है। तो जो से शराब बनाते हैं, पहले माल्ट बनाते हैं फिर एल्कोहल बनाते हैं। अब गिबलिन डाल देंगे तो माल्ट ज्यादा बनेगी और ज्यादा एल्कोहल बनेगी। तो शराब की इंडस्ट्री में ये गिबलिन हार्मोन काम आ सकता है। इसके अलावा दिस हार्मोन रिमूव डोरमेंसी ऑफ बड ट्यूबर एंड सीड। तो अपोजिट हो गया टू ए बी। ये हार्मोन अगर आलू उग नहीं रहा है खेत में तो गिबलिन डाल दो उग जाएगा, तो आलू ट्यूबर को बोलते हैं। आलू नहीं उग रहा तो गिबलिन आलू उगा सकता है, ट्यूबर की डोर में से ही खत्म कर सकता है। बीज नहीं उग रहे तो गिबलिन डाल दो उग जाएंगे, बर्ड जर्मिनेट नहीं करे तो गिबलिन से जर्मिनेट कर जाएंगे। ये तीनों की डोरमेसी एबीए करवाता है, इन तीनों को उगने नहीं देता एबीए। एबीए तीनों को उगने नहीं देता, गिबलिन और इथाइलिन उगने में हेल्प करते हैं। एबीए हार्मोन इन तीनों को रोकता है, गिबलिन इथाइलिन तीनों को एक्टिवेट करता है। बड से ब्रांच बनवाता है, ट्यूबर से आलू बनवाता है, सीड से उगने में हेल्प करता है। तो ये एबीए के अपोजिट है, ये एबीए हार्मोन तीनों को रोकता है, गिबलिन तीनों को एक्टिवेट करता है। सीड जर्मिनेशन के लिए एक्टिवेट गिबलिन हार्मोन जो है एक्टिवेट अमाइलेज प्रोटीएज लाइपेज राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, इनको एक्टिवेट कर देगा इन एंजाइम्स को, विच इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, विच इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। गिबलिन हार्मोन अमाइलेज एंजाइम बनवाएगा जो स्टार्च को तोड़ेगा, प्रोटीएज बनाएगा प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा, आरएनए को तोड़ेगा। ये चारों एंजाइम बीज उगने के लिए जरूरी है। कैसे? ये बीज है, ये एंडोस्टोम है। अरे रानी मैं चाय
गिबलिन हार्मोन्स देखो बीज कब उगता है, बीज तब उगता है जब एंडोस्पर्म के अंदर, बीज कब उगता है एंडोस्पर्म में स्टार्च होती है वो ग्लूकोज में टूटे और फिर वो ग्लूकोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आए और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जब न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, सीड जनरेट करेगा। अब न्यूट्रिएंट्स यहां पे है, स्टार्च को तोड़ेगा यानी मैमाइलेज, ग्लूकोज आ जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और सेल डिवीजन करेगा। प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को तोड़ेगा, अमीनो एसिड बनेंगे ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आएंगे और प्रोटीन बनेगी सेल डिवीजन होगा। लाइपेज एंजाइम फैट को तोड़ेगा फैटी एसिड के सोल में, वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आएगा और सेल डिवीजन करेगा। राइबोन्यूक्लिक आरएनए को तोड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आएंगे और सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा सब कुछ। तो सेल डिवीजन होना तो न्यूट्रिएंट चाहिए और न्यूट्रिएंट ये एंजाइम लाएंगे, न्यूट्रिएंट पॉलीमर के रूप में स्टोर है, स्टार्च प्रोटीन फैट आरएनए इनकी फॉर्म में, उन सारे पॉलीमर को मोनोमर में ये एंजाइम चेंज करेंगे और फिर मोनोमर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में यूज होंगे, फिर सी जनरेट करेगा। इन सारे एंजाइम को कौन रोकता था, एबी हार्मोन, क्योंकि सी जनरेशन को रोकता था, एबी हार्मोन डोरमेंसी कराता है, गिबरेलिन डोरमेंसी को खत्म करता है। एबी हार्मोन सीड जनरेशन को रोकता था, वो डोरमेंसी कराता था, ये डोरमेंसी रोकता है, वो सीड जनरेशन को रोकता था, ये सीड जनरेशन करवाता है। तो कई फंक्शन में गिबरेलिन एबी एंटागोनिस्टिक है, सिर्फ सीड जनरेशन में एंटागोनिस्टिक नहीं है, कई फंक्शन में गिबरेलिन और एबी एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे का अपोजिट है। ये एनसीईआरटी लाइन है कि मेनी फंक्शन में गिबरेलिन एबी एंटागोनिस्टिक एक दूसरे का अपोजिट है, एक तो होगा डोरमेंसी में, एक सीड जनरेशन में, डोरमेंसी तो ट्यूबल की भी हो सकती है बॉडी की भी हो सकती है। गिबरेलिन हार्मोन लेंथ बढ़ाता है, एबी घटाता था लेंथ, ये भी एंटागोनिस्टिक है। इसके अलावा गिबरेलिन नंबर पता भूल गया मैं, कौन सा नंबर था, आठ था नौ था, ऐसे लिख देता हूं, नंबरिंग वैसे होनी चाहिए, एट या नाइन था। गिबरेलिन हायर पिन फ्लोरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, एबी हार्मोन फ्लोरिंग करता था शॉर्ट डे प्लांट में, गिबरेलिन हार्मोन लॉन्ग डे प्लांट में फूल ला देगा, लॉन्ग डे प्लांट है उसमें गिबरेलिन डाल दो फूल आ जाएंगे, जो चाहे उसको लॉन्ग डे कंडीशन ना मिले, लॉन्ग डे प्लांट में लॉन्ग डे कंडीशन लाइट की मिले तब फूल आते हैं, लेकिन लॉन्ग डे कंडीशन लाइट नहीं है तो भी फूल आ जाएगा, गिबरेलिन हार्मोन फूल ला देगा। तो यू बोल सकते हैं लाइट को रिप्लेस कर रहा है, लाइट रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है, लाइट रिक्वायरमेंट इज रिप्लेस्ड बाय गिबरेलिन फॉर फ्लोरिंग। गिबरेलिन हार्मोन फूल ला देगा, लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट रिक्वायरमेंट की रिप्लेस करते, लाइट की जरूरत नहीं है गिबरेलिन को। अगर पेड़ को लाइट की लाइट चाहिए फूल आने के लिए, पेड़ को लाइट चाहिए, गिबरेलिन डाल दो लाइट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या बच गया, तो पार्थेनोकार्पी दिस हार्मोन कैन प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट, जिसको पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। बगैर बीज के
याद रखना फ्लोरिंग पांचों हार्मोन लाते हैं, कोई कहीं फ्लोरिंग में पांचों हार्मोन रोल प्ले करते हैं। फ्रूट राइपनिंग में तो इथाइलिन था, पार्थेनोकार्पिंग में फ्रूट बगैर बीज के हो तो इथाइलिन को छोड़कर चार हार्मोन बच गए, चारों हार्मोन ऑक्सिन गिबरेलिन साइटोकिनिन एबीए, चारों हार्मोन बगैर बीज के फ्रूट ला सकते हैं। तो बगैर बीज के फ्रूट ला सकते हैं, ये जो गिबरेलिन है बगैर बीज का फ्रूट ला सकता है, लाइट की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मेल फ्लावर इन कैनेबिस, फीमेल फ्लावर तीन हार्मोन लेके आते हैं, ऑक्सिन इथाइलिन और साइटोकिनिन। फीमेल फ्लावर लाने के लिए तीन हार्मोन है, ऑक्सिन इथाइलिन साइटोकिनिन, लेकिन मेल फ्लावर लाना है कैनेबिस में भांग के पेड़ में तो केवल ला सकता है मेल फ्लावर। लो टेम्परेचर रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन का टॉपिक मैं आगे लेऊंगा। ठंड से फ्रूट आ जाए तो वर्नलाइजेशन बोलते हैं, वर्नलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठंड से फ्रूट आना, वर्नलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठंड से फ्रूट आना, फूल आना, फूल आएंगे तो फ्रूट भी आ जाएंगे, ठंड से फूल या फ्रूट आए तो वर्नलाइजेशन बोलते हैं। मैं बाद में कराऊंगा टॉपिक। जिन प्लांट में वर्नलाइजेशन की जरूरत है फ्रूट बढ़ने के लिए फूल आने के लिए, उनको अंदर गिबरेलिन डाल दो, वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है, गर्मियों में फूल या फ्रूट आ जाएंगे। कुछ पेड़ों को फूल या फ्रूट आने के लिए ठंड की जरूरत होती है, इसको वर्नलाइजेशन बोलते हैं, वर्नलाइजेशन की जरूरत नहीं है अगर गिबरेलिन हार्मोन डाल दोगे तो। लो टेम्परेचर जो है रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट ऑफ वर्नलाइजेशन बाय गिबरेलिन। धूप से फूल आए तो फोटोपीरियडिज्म बोलते हैं, धूप से फूल आना, ठंड से फूल आए तो वर्नलाइजेशन बोलते हैं। जिस पेड़ को जैसे गेहूं है धूप भी चाहिए फूल आने के लिए तो फोटोपीरियडिज्म भी शो करता है, ठंड भी चाहिए फूल आने के लिए जिसने सर्दियों में उगाते गेहूं वर्नलाइजेशन भी चाहिए। गेहूं बगैर अगर ठंड नहीं मिलेगी धूप नहीं मिलेगी तो फूल नहीं आएंगे फ्रूट नहीं आएंगे, लेकिन गिबरेलिन डाल दो फिर चाहे धूप और ठंड ना मिले फूल या फ्रूट आ जाएंगे, तो गिबरेलिन हार्मोन रिप्लेस करता है, जगह लेता है ठंड की और लाइट की। जो लाइट को भी रिप्लेस कर सकता है गिबरेलिन और लो टेम्परेचर को भी रिप्लेस कर सकता है, गिबरेलिन रिप्लेस कर सकता है, जगह ले सकता है लो टेम्परेचर की और लाइट की जो है फूल आने के लिए या फ्रूट आने के लिए। जो इसके अलावा डिले राइपनिंग, डिले राइपनिंग का मतलब क्या है, डिले राइपनिंग का मतलब क्या है, फ्रूट के पकने को लेट कर देता है ये, जो इथाइलिन के अपोजिट होगा ये कॉन्सेप्ट। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग जल्दी कराता है, गिबरेलिन फ्रूट राइपनिंग धीरे करता है। तो सिट्रस वगैरह सिट्रस राइपनिंग इज डिलेड बाय गिबरेलिन। अगर घर में सिट्रस रखे हुए हैं नींबू संतरा रखे हुए हैं उसमें गिबरेलिन डाल दो, वो धीरे नहीं मतलब जल्दी जल्दी नहीं पकेंगे, धीरे धीरे पकेंगे और घर में काम आ जाएंगे। तो अगर राइपनिंग को धीरे करना है, फ्रूट की राइपनिंग को धीरे करना, तो गिबरेलिन डाल दो धीरे हो जाएगा। ये कौन सा हार्मोन था, गिबरेलिन हार्मोन था जो। अब अगला हार्मोन साइटोकिनिन ले रहा हूं,
साइटोकाइनिन। टोबैको कल्चर के अंदर, टोबैको कल्चर में स्कूग ने क्या डाला था, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, वास्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। सेल डिवीजन ही वाज इंक्रीज्ड। टोबैको कल्चर में, तंबाकू के कल्चर में ईस्ट का सोल्यूशन भी डाला स्कूप साइंटिस्ट ने, तंबाकू को कल्चर कर लिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दिया, ईस्ट का सोल्यूशन डाला, वास्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम का एक्सट्रैक्ट डाला, सेल डिवीजन बढ़ गया। ये साइटोकाइन हार्मोन की वजह से था, इट वाज ड्यू टू साइटोकाइन हार्मोन। इट इज आल्सो कॉल्ड साइटोकाइन, को क्या बोलते हैं, काइनेटिन और काइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन का दूसरा नाम काइनेटिन भी है, काइनिन भी है। साइटोकाइनिन हार्मोन का दूसरा नाम काइनेटिन भी है और काइनिन भी है। सेल डिवीजन बढ़ाता है साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अरे न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, सेल डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। इसने पहली बार साइटोकाइनेसिस की थी, इसका नाम साइटोकाइनिन पड़ा, पहले काइनेटिन फिर काइनिन फिर लास्ट में साइटोकाइनिन पड़ा। एग्जाम में यू भी मिल सकता है क्वेश्चन कि बताओ सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन बढ़ाता है, तुम बोलोगे साइटोकाइनिन, ना कई जगह काइनेटिन लिखा होगा, फंक्शन लिख रखे होंगे साइटोकाइनिन के, और पूछ सकता है कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है, और साइटोकाइनिन काइनेटिन या काइनिन लिख देगा। जिस तरह से उसमें एबी हार्मोन में भी, एबी के तीन नाम थे, एब्सिसिन डोरमिन इनहिबिन, कई बार पूछेगा ये फंक्शन किसके है, और एबी ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में होंगे इनहिबिन डोरमिन, तो तुम दूसरे नाम के अकॉर्डिंग भी फंक्शन बता सकते हो। एबी हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन एबी के नाम से नहीं होगा, इनहिबिन या डोरमिन के नाम से भी हो सकता है। साइटोकाइनिन का क्वेश्चन साइटोकाइनिन हार्मोन के नाम पे नहीं, काइनेटिन काइनिन का भी हो सकता है, पूछ लेगा काइनिन हार्मोन क्या करता है, एबी में पूछेगा डोरमिन हार्मोन नीचे से क्या करता है, तुम सोचोगे ये कौन सा हार्मोन आ गए, तो इन्हीं के दूसरे नाम है ये। इसके अलावा स्कूप था, तो मिलर साइंटिस्ट ने ये तो था स्कूप साइंटिस्ट, अब दूसरा साइंटिस्ट है मिलर। ये था, अब आते हैं मिलर साइंटिस्ट, मिलर के ऊपर। मिलर ने साइटोकाइनिन डिस्कवर किया था, साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड कहां के थे मिलर ने, साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर, मिलर साइंटिस्ट ने साइटोकाइनिन हार्मोन कहां डिस्कवर किया था, हरिंग स्पम, एक फिश है हरिंग, उसके स्पम के डीएनए के अंदर, एक फिश है हरिंग फिश, उसके स्पम, हरिंग फिश का स्पम जो है उसके डीएनए से बनता है साइटोकाइनिन हार्मोन। हरिंग फिश थी उसके स्पम में जो डीएनए था उससे साइटोकाइनिन हार्मोन डिस्कवर किया मिलर ने। जो काम साइटोकाइनिन करता है वही काम हरिंग फिश का जो स्पम है उसका डीएनए करता है। तो साइटोकाइनिन हार्मोन हरिंग, इसमें क्या बोलेंगे इसको, हरिंग स्पर्म में जो डीएनए है यानी हरिंग फिश में मिलने वाले साइटोकाइनिन का नाम 6-phosphoryl अमाइनो प्यूरिन,
हरिंग फिश के स्पर्म में मिलने वाले साइटोकाइन का नाम है 6-फर्फुराइल अमीनो प्यूरिन। अभी तक साइटोकाइन कौन कौन से हो गए? ईस्ट से निकला, जाइलोफ्लोएम से निकला, हरिंग स्पर्म में जो निकला वो 6-फर्फुराइल अमीनो प्यूरिन। इसके अलावा और कहां मिल सकता है साइटोकाइन हार्मोन? और कहां मिलता है साइटोकाइन हार्मोन? साइटोकाइन हार्मोन और निकलता है, साइटोकाइन हार्मोन और निकलेगा ईस्ट एक्सट्रैक्ट करा दिया हमने वास्कुलर टिश्यू ईस्ट, और एक एक्सट्रैक्ट और था जो कौन सा था, जो कोकोनट वाटर से। नारियल के पानी, नारियल का पानी भी साइटोकाइन हार्मोन की तरह से बिहेव करता है। लेकिन प्लांट में किसने निकाला था? एक साइंटिस्ट है लेथाम, डिस्कवर्ड साइटोकाइन फ्रॉम प्लांट सेल। लेथाम साइंटिस्ट ने प्लांट से साइटोकाइन डिस्कवर किया और उसका नाम दिया, इस साइटोकाइन का नाम था जीएटी। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? मक्का में डिस्कवर किया। लेथाम साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया साइटोकाइन मक्का के पेड़ से। लेथाम साइंटिस्ट ने साइटोकाइन डिस्कवर किया मक्का के पेड़ से। लेथाम साइंटिस्ट ने मक्का के पेड़ से साइटोकाइन डिस्कवर किया, नाम रखा गया जीएटी। क्यों? क्योंकि मक्का का साइंटिफिक नेम जी मेज है। मक्का का साइंटिफिक नेम जी मेज है, इसलिए मक्का से निकला जीएटी। मक्का का नाम जी मेज है मक्का का साइंटिफिक नेम, इसलिए मक्का से निकला जीएटी। और एक साइटोकाइन और है बीएपी, बेंजोइल अमाइनो प्यूरिन, ये भी साइटोकाइन है। आईपीए आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, ये भी साइटोकाइन है। ये साइटोकाइन की हिस्ट्री है। अब साइटोकाइन के फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आप साइटोकाइन हार्मोन के हम फंक्शन में मिले। इस वीडियो का तो टाइम हो गया भाई, इस वीडियो को यही रोकना पड़ेगा। साइटोकाइन हार्मोन के फंक्शन अगले वीडियो में देंगे, यही रोकना।